पुष्पा को किसी ने। तो मैं फिर आ गया तुम लोगों का दिमाग खाने, तो ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड की, एक विचर पे और दूसरी डेथ नोट पे, बट ये दोनों वीडियोस मेरी बिल्कुल नहीं चली। हालांकि इन्हें बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई पुष्पा मूवी पे कुछ बनाया जाए, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और हो सकता है कि मेरी ये वीडियो वायरल हो जाए। तो आज मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ पुष्पा मूवी पे जो अल्लू अर्जुन सर का एक लास्ट में फॉरेस्ट रनिंग सीन है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा उस सीन को। सो लेट्स डू इट। शूटिंग के लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है एक रेड स्कार्फ और एक रस्सी की, और मैं कल सुबह शूट करूँगा। अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, सो मिलते हैं कल सुबह शूट पे। मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम लोग अपने लोकेशन पर आ चुके हैं और मेरा जो दोस्त है वो फंदा लगा रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये हम लोगों ने कुछ बनाया है और इस पर हम लोग ऐसे पत्ते डाल देंगे, तो जैसे ही मैं इस पर दौड़ के ऐसे निकलूँगा तो ये जो पत्ते हैं वो उछलेंगे। तो चलिए फटाक से हम लोग अपना शॉट ले लेते हैं। सो ये रहा हमारा पहला शॉट जो कि एक लो एंगल शॉट है। इसमें सिंपली हमारे बनाए हुए ट्रैप पर मैं पैर रखकर दौड़ते हुए निकलता हूँ और पीछे से मेरा एक दोस्त अपने पैरों से कुछ पत्ते उड़ाता है और दूसरा दोस्त जो है वो वीडियो शूट करता है। और हाँ, जो इसके हाथ में कैमरा है वो मेरा नहीं है, मैंने इसे भाड़े पे लिया है। तो अगर किसी वीडियो में क्वालिटी कम आती है तो प्लीज़ यार थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, तुम्हारे भाई के पास अभी कैमरा नहीं है। और जो दूसरा शॉट है उसमें मैं एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से जंप करता हूँ और इसमें भी कुछ पत्ते साइड से मेरा दोस्त उड़ाता है। और इसी तरीके से हम कुछ और रनिंग शॉट्स लेते हैं। एंड फाइनल शॉट में मुझे पेड़ के नीचे से स्लिप करते हुए निकलना होता है और ये तो काफ़ी आसान सा शॉट था, सीरियसली आप खुद ही देख लो। पंक 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 पंक। ये तो हो गई हमारी दर्द भरी शूटिंग की कहानी। अब आ जाते हैं अपने मेन कोर्स यानी कि एडिटिंग पे। तो एडिटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे इस वीडियो में, हमको सिर्फ पत्ते और धूल वगैरह लगाने हैं, तो चलिए खड़ाक से हम वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट शॉट में स्लो मोशन डाला एंड कलर ग्रेडिंग करी। उसके बाद सेकंड शॉट में मैंने प्रोडक्शन क्रेट से कुछ लीव्स के फुटेज डाउनलोड किए एंड सिंपली उसको अपनी फुटेज में अप्लाई किया। और उसके बाद मैंने कलर ग्रेडिंग करी एंड स्लो मोशन किया। और बाकी सभी शॉट में मुझे कुछ नहीं करना था गाइस, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिटिंग का था नहीं, सिर्फ मुझे कलर ग्रेडिंग करनी थी और स्लो मोशन डालना था एंड कट्स लगाने थे। तो जो मैंने कलर ग्रेडिंग करी है इस वीडियो में वो मैंने आफ्टर इफेक्ट में, एक प्रीसेट आता है लुमेट्री कलर, उससे मैंने इसमें कलर ग्रेडिंग करी है। और एक प्लगइन आता है, ये एक पेड प्लगइन है क्विकस्टर, जिससे मैंने स्लो मोशन ऐड किया है। और कट्स तो सिंपल है, जहाँ जहाँ से आपको कट्स लगाने हैं वहाँ वहाँ से आप लगा लो। बस इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस इतना ही है। फाइनली हमारी वीडियो रेडी हो गई गाइस। तो अगर आप लोगों को रिजल्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, मेरा पिछवाड़ा अभी तक दर्द कर रहा है। अब वो तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता, वरना दिखाता। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इन्जॉय द रिजल्ट। पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था, उसको समझा है कि पुष्पा फायर है।